एक बड़े नामनिष्ठ संत के मुख से मैंने सुना था कि आरंभ करिए नाम के गान से, माने आपका स्वर ऐसा हो कि कम से कम आपको तो सुनाई पड़े, जब आप नाम लें तब आपको सुनाई पड़े, इतना स्वर होना चाहिए, यहां से आरंभ करना चाहिए। बड़े अद्भुत नामनिष्ठ संत, उनकी अनुमति होती तो मैं उनका नाम लेता, पर मन से उनका पावन स्मरण करते हुए उनकी बात बता रहा हूं, और साथ में ये भी कह रहा हूं कि मुझे अपने अपने व्यक्तिगत साधक जीवन में इससे बहुत बड़ा लाभ मिला। कभी कभी सहज में मन लग जाता है भजन में, कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि कहीं पर भी आप कुछ भी करते हो पर मन की स्थिति भजन में ही होती है, कभी कभी तो व्यवहार में भी भजन हो रहा होता है, और कभी कभी भजन में भी भजन नहीं हो रहा होता। तो जब कभी ऐसी स्थिति हो जाए ना, जब लगे मन बहुत अस्थिर हो रहा है, तो फिर जप के स्थान पर गान करना चाहिए, नाम का गान करिए, नाम को गाइए, और न गा पाए तो कम से कम इस विधि तो उच्चारण करिए कि नाम आपको सुनाई पड़े। और कहते इससे थोड़ा आगे चलेंगे फिर उपांशु जप है, उपांशु जप में क्या होता है, ओठ हिलते हैं धीरे धीरे, इसके बाद की स्थिति क्या है, वो मानसिक जप है। जब ओठ भी नहीं हिलेंगे, जब जिह्वा हिलेगी नहीं, जब मन जपेगा, उसे मानसिक जप कहते हैं। और जैसे जैसे उत्तरोत्तर आप इस दिशा में बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी चेतना स्थिर होती जा रही है, जिसको आपकी भाषा में मन का टिकना कहते हैं, मन टिकता जा रहा है, मन की चंचलता समाप्त होती जा रही है। मानसिक जप की स्थिति में पहुंच जाने के बाद आपकी चेतना लगभग स्थिर हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है, मैंने फिर बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते। और फिर इसके बाद की जो जो पूर्ण परिपक्व अवस्था है, इसको अजपा जप कहते हैं, इसकी बात कबीर कह रहा है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। जब आप जप कर नहीं रहे, जप हो रहा है, आप तो सुन रहे हैं,